नमस्कार दोस्तों, मैं घासीराम चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी आर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। सो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको टेरेस का टूर करवाने जा रहा हूं, जहां पर हमने दो यूनिट इंस्टॉल कर रखी है, जो कि हमारी कंपनी ने यहां पे दो यूनिट इंस्टॉल कर रखी है। लगभग हमने 3 साल पहले यहां पे दो यूनिट इंस्टॉल की थी। रेगुलर हमारे क्लाइंट सब्जियां हार्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर वो खा रहे हैं, और तो इसका मैं ट्यूर करवाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दो केनोफी फ्रेम के साथ साथ नीचे वाले दो ब्लैक कलर के कंटेनर हैं, उसमें हमारी सब्जियां ग्रो कर रखी है। हमने इसकी साइज की मैं बात करूं तो 10 फीट इसकी लंबाई है, 4 फीट चौड़ाई है, और जो इसकी डैप है वो इसकी 1 फीट के आसपास है। इसमें पानी देने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑटोमेटिक ड्रिप सिस्टम है, जो कि आप देख रहे हो इसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है। जहाँ पे पौधा रहता है उसी की जड़ों के पास में पानी गिरता है, जिससे कि आपके पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास दो यूनिट है, दो यूनिट में हमने 4 सब्जियाँ ग्रो कर रखी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहले यूनिट में हमारे आधी यूनिट में हाफ में जो हमने भिंडी ग्रो कर रखी है, दूसरी जैसा कि आप देख पा रहे हो लौकी है, दूसरी यूनिट में हाफ में हमने तुरई लगा रखी है, हाफ में हमने करेला ग्रो किया है, जो कि हमने 20 दिन पहले अभी ग्रो किया है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये भिंडी देखिए दोस्तों, भिंडी की ज़बरदस्त कंडीशन है। जैसा कि इसमें से 1.5 महीने से रेगुलर भिंडी हार्वेस्ट हो रही है, रेगुलर हमारे क्लाइंट इसका स्वाद ले रहे हैं, अच्छे से सब्जियाँ खा रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेगुलर यहाँ से भिंडियाँ आ रही है, फूल आ रहे हैं, यहाँ से तोड़ी जा रही है रेगुलर भिंडियाँ, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बरसात का मौसम है, पौधे काफ़ी हेल्दी है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी ये लौकी की बेल है, इसमें हमने अभी कल हमारे क्लाइंट ने यहाँ से 6 लौकियाँ तोड़ी है, और काफ़ी मात्रा में इसमें फूल आ रहे हैं, और लगभग ये 10 से 15 दिन में बाद में फिर लौकियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, लौकी की बेल काफ़ी हेल्दी है और अच्छी तरह से भरी हुई है पूरी आधी यूनिट में। इसी के साथ मैं आपको आगे वाली यूनिट में लेके चलता हूँ, जिसमें हमने तुरई और करेला ग्रो कर रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये करेले की ग्रोथ है, ये जर्मिनेशन हो चुका है, लगभग 20 दिन का करेला है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है, ठीक है। और इसी के पास में हमने लगा रखी है तुरई। तो दोस्तों, जैसा कि आप तुरई को देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ढेर सारी तुरइयाँ आ रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक तुरई आ रही है यहाँ पे, फिर आप मैं बात करूँ आगे चलता हूँ तो ये तुरई है, और लगभग ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ढेर सारी तुरइयाँ हैं। इसमें लगभग 20 से 25 तुरइयाँ हैं, जो कि मैं अभी गिनाऊँगा तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं मोटी मोटी 2-4 लौकियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे तुरई है, ये तुरई है, ढेर सारी इसमें बहुत सारी तुरई लगी हुई है। इसकी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है, और जैसा कि आप देख रहे हो, पोलिनेशन के लिए मधुमक्खियाँ और भंवरे इस पर घूम रहे हैं। इसी तरह अगर आप भी अपने टेरेस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आप, तो हमारे दिए हुए नंबर डिस्क्रिप्शन में जो किए वहाँ पर हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने टेरेस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।